दिलीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक सोच। एक दिव्यांग 900 का सिलेंडर 400 रुपए में बेच रहा था। लोग उसको घेरे हुए थे, भीड़ लगी थी, लेकिन उसके सिलेंडर पर एक पर्ची लगी हुई थी और उस पर्ची में था अखिलेश यादव का फोटो। माताओं बहनों, समाजवादी गैस सिलेंडर 499। तो क्या अखिलेश यादव ने आधी कीमत पर कोई सिलेंडर योजना लॉन्च कर दी है? लेकिन अखिलेश तो मुख्यमंत्री है नहीं, तो फिर अखिलेश की लगी फोटो वाला सिलेंडर आधी कीमत पर एक दिव्यांग समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता कैसे बांट रहा था? चलिए आपको शुरू से समझाते हैं। दोस्तों, अयोध्या के समाजवादी पार्टी के एक दिव्यांग नेता ने सस्ते दाम में गैस सिलेंडर बेचकर सरकार को आईना दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी सरकार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है, उससे आम जनता बहुत परेशान है। यही गैस सिलेंडर जब पहले की सरकारों में 400 रुपये में बिकता था, तब यही बीजेपी सरकार महंगाई का रोना रोती थी और सिलेंडर सर पर रखकर हाय हाय महंगाई का गाना गाती थी। यहाँ तक कि सरकार भी बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार फला फला के नाम पर सरकार बनाई और वादे ये थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम आम जनता की जेब को देखते हुए महंगाई को कम करेंगे। जनता ने भी अच्छे दिन के लालच में बीजेपी को सत्ता में ले आई, लेकिन जनता के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन इस महंगाई में सरकार के अच्छे दिन जरूर आ गए। हुआ ये कि बीजेपी ने छलांग मारकर सभी चीज़ों के दाम डबल कर दिए। इसलिए बीजेपी सरकार को आईना दिखाने के लिए पंडित समरजीत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब सिलेंडर 400 रुपए में था, तब यही भाजपा सरकार सड़कों पर महंगाई को लेकर करती थी नौटंकी का नाच। साथ ही उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो समाजवादी गैस सिलेंडर मात्र 499 रुपए में बेच रहे थे और अब बीजेपी की अपनी सरकार में सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं तो कुछ क्यों नहीं सोच रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम जय भारत।